नारियल वाला। हाथी पापड़ नाम के एक गांव में शरद नाम का एक नारियल बेचने वाला रहता था। उसका व्यापार कुछ वर्षों तक बहुत अच्छा चला, पर जैसे ही गांव में कोल्ड ड्रिंक्स बिकने लगे, शरद का धंधा चौपट हो गया। लोग ना तो नारियल का पानी पीने आते और ना ही नारियल का दूध खरीदने आते। एक समय था जब शरद की अच्छी आमदनी हुआ करती थी, लोग जोरों शोरों से नारियल खरीदने आते थे। लेकिन जैसे ही कोल्ड ड्रिंक्स की बिक्री शुरू हुई, नारियल की बिक्री एकदम बंद हो गई। इससे हो रहे नुकसान से उभर ना पाने से परेशान शरद खुद से कहता है, कैसे मूर्ख लोग हैं, मैं इतने वर्षों से इन्हें इतने मीठे पानी वाले नारियल जो कि सेहत के लिए लाभकारी है बेच रहा हूं, पर ये लोग हैं कि केमिकल वाला कोल्ड ड्रिंक पीकर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं। भगवान ही इनकी सेहत को बिगाड़ने से बचाए। उतने में नारियल की दुकान पर विराट अपने दोस्त सुरेश को लेकर आता है। नमस्ते शरद काका, कैसे हो आप? कौन? ओ अरे, तुम विराट हो ना? हाँ काका, मैं विराट। कैसे हो विराट बेटा? सुना है शहर में कोई नई बीमारी फैली हुई है, कहीं तुम वहां से हमारे गांव में बीमारी तो नहीं लेकर आए? ये कहकर शरद उसके साथ मजाक करता है। अरे नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तो मैं कितना तंदुरुस्त हूँ, और मेरी तंदुरुस्ती का कारण आपके यहाँ पिए हुए नारियल पानी की वजह से है। मुझ में अब इतनी रोग प्रतिरोधक क्षमता है कि मेरा शरीर किसी भी रोग का सामना एकदम खुले दिल से कर सकता है। वैसे ये लड़का कौन है? काका, मीट माई फ्रेंड सुरेश। नमस्ते बेटा। हेलो अंकल। पता है सुरेश, शरद काका हमारे गांव में बहुत फेमस है। दूर दूर से लोग यहाँ आकर नारियल पानी पिया करते हैं, और वो भी लाइन लगाकर। सच? अंकल आप तो ग्रेट हो। अब वो दिन नहीं रहे बेटा, लोग आजकल वो ठंडी कोल्ड ड्रिंक की बोतल के पीछे पागल हैं। लोग उसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। पहले लोगों की लाइन लगती थी, पर अब दिन में एक या दो लोग बड़े मुश्किल से आते हैं, और उनमें से भी ज्यादातर लोग यहां से जा रहे हुए यात्री होते हैं। मेरा व्यापार कुछ ठीक नहीं चल रहा बेटा, अब तो घर चलाने भी बहुत मुश्किल हो गया है। मुझे अपने साथ शहर ले चलो, मैं वहां कोई भी छोटा मोटा काम कर लूंगा। बिल्कुल आ जाइए अंकल, शहर में काम की कोई कमी नहीं है। आप में बस काम करने की इच्छा होनी चाहिए, बस काम तो बहुत मिल जाएंगे। तू चुप रहेगा? ऐसा कहकर विराट आश्चर्य से शरद की ओर देखते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो शरद काका, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा। हमारे गांव के लोग सेहतमंद नारियल पानी की बजाय उस खराब केमिकल वाली कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। सो सैड, हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इतने दिनों से कुछ नहीं कर पाया, तुम अब आकर क्या कर सकोगे बेटा। छोड़ो, तुम शहर से कुछ दिनों के लिए आए हो, इन सब में मत पड़ो। तुम अपने दोस्त को नारियल पानी पिलाओ और अपना गांव घुमा लाओ। नहीं काका, वो सब बाद में, पहले आप ये बताइए कि आप इस धंधे में कब से हैं? आपका इस काम में कितना अनुभव है? आपने कई ग्राहक देखे हैं, कईयों ने तो आपसे मुकाबला करने की भी कोशिश की होगी। कितना कुछ देखा है आपने। काका मेरी बात मानिए, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये मत सोचिए कि मेरा काम अब पहले जैसा नहीं चल पाएगा, ये सोचिए कि क्या किया जा सकता है ताकि मेरा काम पहले से भी ज्यादा अच्छा चले। शायद तुम ठीक कह रहे हो विराट बेटा, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मैं आज के बाद इसी काम में ध्यान दूंगा। ठीक है काका, हम चलते हैं। ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। शरद उस दिन से सोच में पड़ जाता है, रात को भी नारियल के पेड़ों के बागीचे में ही रुक जाता है और सोचता रहता है। बदलते समय के साथ मुझे भी अपना व्यापार चलाने का ढंग बदलना चाहिए। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मुझे कुछ नए तरीके अपनाने चाहिए, पर क्या करूं? अगले दिन शरद कारपेंटर के पास जाता है। नमस्ते रामलाल भाई, मुझे आपसे एक काम था। नमस्ते शरद भाई, बोलिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ।
रामलाल भाई, तुम मुझे लकड़ियों से एक रूम बना कर दो जो नारियल के आकार में हो, और उसके चार पहिए भी होने चाहिए जो सिर्फ आगे और पीछे ही नहीं बल्कि गोल गोल भी घूमे। बस इतना ही, या फिर वो हवा में भी उड़े और पानी में भी तैरे। मेरी बात को तुम मजाक में ले रहे हो, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, हंसी आ रही है तुम्हें? ठीक है शरद भाई, गुस्सा मत करो। कल आपके वापस आने से पहले आपने जैसी बताई वैसी ही नारियल की गाड़ी तैयार करके रखूंगा, आप बेफिक्र होके जाओ। शरद वहां से चला जाता है। रामलाल कोकोनट गाड़ी बनाने के काम में लग जाता है, और वहां दूसरी ओर शरद नारियल तोड़कर इकट्ठा करते हुए सोचता है इस नारियल से क्या क्या किया जा सकता है। नारियल का दूध, नारियल की चटनी, मीठी बर्फी, लड्डू, और इन सबको मैं अपनी कोकोनट गाड़ी में रखकर गांव गांव शहर शहर घूमकर प्रचार करूंगा। अपने धंधे को मैं खुद ही आगे बढ़ाऊंगा। ऐसा सोचते हुए रामलाल के पास जाकर कोकोनट गाड़ी ले आता है, और गाड़ी पर कैप्शन होता है नारियल पानी में जो रोग प्रतिशोधक शक्ति है वो केमिकल वाली ठंडी कोल्ड ड्रिंक में नहीं। गांव के लोग उस कोकोनट गाड़ी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उन्हें जो जो चाहिए वो सब खरीद लेते हैं और शरद को बधाई देते हुए कहते हैं, शरद भाई आपका भी जवाब नहीं, क्या बात है। धंधा कैसे किया जाए ये आपको खूब पता है शरद भाई। क्या बात है शरद भाई, अब सब बहुत हेल्दी रहेंगे, और आपका आइडिया बहुत अच्छा है। अब हमारे गांव के सभी लोग सेहतमंद तो रहेंगे ही, और साथ में बहुत एक्टिव भी रहेंगे। अब वो केमिकल वाली कोल्ड ड्रिंक को अलविदा अलविदा। कहते हुए गांव के सभी लोग उसकी बहुत सराहना करते हैं। शरद की भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। तुरंत वो ये खुशी की खबर विराट को बताने जाता है। रास्ते में ही विराट और विराट का दोस्त सुरेश उसे मिल जाते हैं। शरद, अरे विराट बेटा, देखो कैसी है मेरी कोकोनट गाड़ी, और इसमें बनी बहुत सारी चीजें हैं कोकोनट की। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, अभी बना कर देता हूँ। सुरेश बेटा तुम भी बोलो तुम्हें क्या चाहिए। अरे वाह शरद काका, मुझे पता था आप चाहो तो अपने व्यापार में चमत्कार कर सकते हो। इसका सारा श्रेय तुम्हें ही जाता है विराट। नहीं काका, मैं जानता था आपकी काबिलियत को, पर इसके लिए जो नई सोच चाहिए थी वो तो आपने ही लाई। ये सब आप ही के मेहनत का परिणाम है। अच्छा, ऐसा क्या? सिर्फ यही काम नहीं, किसी भी काम को अगर पूरे मन से श्रद्धा से किया जाए तो वो सफल जरूर होता है। कहते हुए तीनों हंसते हुए समय बिताते हैं।